बिलासपुर जिला के विधानसभा क्षेत्र झंडूता में भाजपा कार्यालय में भाजपा मंडल झंडूता की बैठक आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल ने की। बैठक में उन्होंने नेता व कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही परिवारवाद को बढ़ावा देने के साथ साथ देश को लूटने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश और देश की जनता एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहती है। देश को मजबूत करने के लिए एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है, जो केवल नरेंद्र मोदी के पास है। उन्होंने उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं से कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए सभी फील्ड में कार्य करें और घर घर जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं का व्याख्यान करें। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने मोदी है तो सब मुमकिन है और अपना परिवार भाजपा परिवार के नारे लगाकर एकजुटता का परिचय भी दिया। स्थानीय विधायक जीतराम कटवाल ने कहा कि अनुराग ठाकुर चौथी बार रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और केंद्र में मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस दौरान उन्होंने एक वर्ष के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों व केंद्र सरकार की चलाई जा रही नीतियों के बारे में भी अवगत करवाया। कार्यक्रम के दौरान हमीरपुर के संगठन मंत्री राम प्रकाश पटियाल, भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश गौतम, भाजपा मंडल अध्यक्ष झंडूता सुभाष मिन्हास भी मौजूद रहे। उड़ी का स्ट्राइक हुआ, हमारे सोए हुए सैनिकों को जला दिया, मार दिया गया। उसके पहले याद करो 2011 में जब कांग्रेस सरकार थी तो मुंबई के ताज होटल में 250 लोगों को मार दिया था आतंकवादियों ने। क्या कार्रवाई की थी कांग्रेस ने? उसके बाद प्रधानमंत्री उस समय के जो थे वो शर्मा शेख गए, जगह का नाम है शर्मा शेख। वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हमारे साथ ही बड़ी अन्याय हो रहा है और दोनों ने मिलकर गिरा दिया। जैसे हिंदुस्तान पीड़ित है वैसे पाकिस्तान भी आतंकवाद से पीड़ित है। अपने ग्रामीण भागल के आगे उड़ी के बाद हमारा कैबिनेट का सम्मेलन था। मोदी जी ने कहा पाकिस्तान ने बहुत गलती की है, मैं इसका बदला लूंगा। और आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, हमने जितने लोग मारे गए थे उनके जोड़े से ज्यादा लोग पाकिस्तान के अंदर जाकर घुस कर मारे थे। सर्जिकल स्ट्राइक हो सकता मोदी है तो सर्जिकल स्ट्राइक।